इस ओके से हम लोग फ्रॉगी वर्सेस डोपिक और फेस टू फेस चैलेंजेस के साथ कई सच में क्रिकर लेकर आई हूं और नोबडी और टार्च लाई है जो कि किताब मेरे पीछे पीछे है, बट यहाँ पर सीन बड़ा ही खतरनाक है। एक अलग ट्रैक पे जा रही है बंदी और एक बंदी अलग ट्रैक पे, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे रहते हुए एक ट्रैक पे रहना है। खबरदार अगर ट्रैक बदली तो दोनों ने एक साथ गाड़ियां डिलीवर की है। और ये गाड़ी कौन सी गाड़ी आई है, बहुत छोटी गाड़ी है, मुझे बहुत छोटी गाड़ी दे दी पकड़ के, मुझसे तो लेकर भी नहीं जाई जा रही है, बट बहुत कूल चल रही है। छोटी गाड़ी होती ना तो काफ़ी तेज दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है, एकदम गोली के जैसे दौड़ रही है, बड़ी मस्त गाड़ी है। ओह माय गॉड, नमी इतनी तेज आ रही है, चुड़ैल चुड़ैल में खींच गई, अरे मैं खींच गया, मारे लटक गई मैं, ओ नो 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 दुख, तूने अच्छा नहीं किया और अब क्या होगा तेरा, मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ, पता तुझे मार दिया जाए, तुझे छोड़ दिया जाए, तेरे को मार दूं मैं तुझे, दुख तू मेरे हाथ से चढ़, तू मुझसे कभी नहीं बचेगी, अब तू मुझसे नहीं बचेगी, तू बग्गी लेकर गई है मेरे को घर आगे, बग्गी लेकर गई है, इतना गुस्सा आ रहा है गाइस, इतना अच्छा जा रही थी मेरी गाड़ी, इतनी अच्छी जा रही थी, पीछे से वो आंधी तूफान की तरह आई, मेरी गाड़ी इतनी जोर से टकराई है उसकी गाड़ी से, ओ गॉड, गाड़ी टर्न हो गई, जाल में फंस गई, और जाल के अंदर बहुत सारी गैप है गाड़ियों को घिराने की, हम फास्टली जा सकते हैं लेकिन लेकिन उसके ऊपर रुक नहीं सकते, स्टे किया ना तो हमारा हमारी स्टेटमेंट ख़राब हो जाएगी, हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ रुकना नहीं है, बहुत ख़तरनाक जगह है। ओके नुप, यहाँ से जा रही है ये, मुझे लगा ये तो गिरने वाली जगह है, नुप तू आराम से नहीं जा सकती, नुप यहाँ से जा रही गई, अरे मेरी बग्गी भग गई, तू भी मर जागे, तू भी दिमाग खराब कर, वो निकल गई मेरे हाथों से, बग्गी की बच्ची भगे, ओ नो गाइस, तू पहुंच गई है, मैं पीछे रह गई हूँ और ऑलमोस्ट बग्गी के साथ मेरे साथ हादसा हो गया, और रोना आ रहा है काफ़ी ज़्यादा मुझे तो, क्योंकि मैं पीछे रह गई हूँ, मेरी छोटी गाड़ी के साथ जुल्म किया गया, मेरी मासूम सी छोटी सी नन्ही सी प्यारी गाड़ी जो कि कुछ देर के लिए मैंने रेंट पे ली थी, उसके साथ बहुत गंदा सीन हुआ, अटक गया, उसे गिरा दिया और उस पर जुल्म हुआ निहायत, मेरी बग्गी नीचे चली गई गाइस, और मेरी बग्गी लुढ़क गई थी, सीधी नहीं हो रही थी, जबकि नीचे से जाने का रास्ता है, और नीचे जाकर आप बूस्टर ले सकते हो, बिकॉज नीचे बूस्टर है, और काफ़ी खतरनाक सीन किया इस चलाक लोमड़ी ने, इस लोमड़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो तू मेरे हाथ से गई, कहाँ गई, नो भी अच्छी गाड़ियाँ लेकर जा रही है, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास बहुत बेकार गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये वैन लेकर जानी पड़ी है, नो वो ऑलमोस्ट ये वैन डिलीवर कर चुकी है, और चारों बुक लेकर जा रही थी मुझे चढ़ाते चढ़ाते दूसरे वाले ब्रिज से, कहते एक फ्रॉगी में तो जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, ऐसी करती करती जा रही थी गाइस, मैंने जल्दी जल्दी इसको रिस्पॉन किया है, बिकॉज टर्न होते होते सुबह से शाम कर देता, और मैं नुब को पकड़ने वाली हूँ, मैं उसे आज नहीं छोड़ने वाली, उसने जो मेरी छोटी सी गाड़ी के साथ जुल्म किया है, आज उसकी बड़ी गाड़ी के साथ उसके साथ जुल्म करूँगी, वाह मेरा तो चारों बुक भी निकम्मा निकला, कुछ भी नहीं किया, वो मेरे हाथों से निकल कर चली गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आज, एंड बहुत पेड सीन है आपकी दी के साथ, और आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो, लाइक करोगे तो आपकी दी के अंदर कोई पावर आएगी उसे लड़ने की, उसको जवाब देने की, उसका मुंह तोड़ने की, बट आप लोग लाइक नहीं करो, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक मारो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हो, नए हो तो रेड कलर का बटन ना ग्रे कर दो गाइस, वो ज़्यादा ग्रे कलर अच्छा लगता है, रेड में सब्सक्राइब अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो जल्दी जल्दी ग्रे करो, और अभी देखो जैसे ही आप ग्रे कर दोगे ना उसे और लाइक दबा दोगे ना, तो देखना फिर आपकी दी के अंदर कैसे कैसे एनर्जी आती है, और अब एनर्जी को लेने के लिए बूस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ बूस्टर्स लगे हुए थे इसलिए नुब मुझसे थोड़ा थोड़ा आगे 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 जा रही थी, बट अब नहीं जाने दूंगी मैं नुब को आगे, अब मैं पकड़ के रहूंगी उसे, पकड़ के उसकी गर्दन दबोच दूंगी और बोलूंगी अब बता बेटा कितना भागेगी, कितना दौड़ेगी, और उसको एक जगह पर ला करना गाइस, को बंद कर देना चाहिए, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है ट्रैक के ऊपर, बट मेरा तो मन ऐसा ही कर रहा है कि फिलहाल, वैसे कहीं सच्ची बता रही हूँ, उसको मारने का मेरा इतना दिल करता है कि मैं उसे इतना धोऊँ, बहुत तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गई है नुब, फ्रॉगी से ज़्यादा शरारती ही करने लगी है आजकल, बहुत मारती है मुझे, आजा मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आजा, अब लूँगी तेरे से सारे बदले, स्टार्टिंग से लेकर बचपन से लेकर बड़े होने तक के सारे बदले, मतलब जब से रेस स्टार्ट हुई थी ना छोटी सी गाड़ी से,
अब बड़ी गाड़ी आने तक अब तेरी हड्डियां पसलियां एक करूंगी। अब बता तेरे साथ क्या किया जाए, बता दे क्या करूं मैं तेरे साथ। तेरी गाड़ी तोड़ दूं, इसको आग लगा दूं, ब्लास्ट कर दूं, बता क्या करूं तेरे साथ। और तुझे मारते मारते वहीं ले जाऊंगी, तुझे मारते मारते रीस्पॉन करने पर तेरे को मजबूर करो। अरे नहीं, भाग जाएगी, पकड़ो, भाग जाएगी, भाग जाएगी, पकड़ोगे, जारी 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 रीस्पॉन मार दूंगी मैं। चुड़ैल चुड़ैल तू जा नहीं सकती, रोक जा। गाइस मैंने रिस्पॉन मारा, मैं उसको जाने नहीं दूंगी। वो कैसे गई मेरे हाथ से बच के, मतलब कुछ भी कुछ भी है, कुछ भी। इधर आ इधर आ, रिस्पॉन मारा तूने, है मैंने रिस्पॉन मारा सिर्फ तेरी वजह से। गाइस वो बच गई, और गाड़ी टर्न कर रही है, वो बच गई। डाई डाई डाई, ये क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है आपकी फ्रॉगी में, जुल्म हो रहा है। और आप लोग हो के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हो। अरे ए ट्रक ए ट्रक के बच्चे, अगर तू गिरा ना फिर तेरी तेरी हजामत कर दोगी, तुझे गंजा कर दोगी। अगर तू गिरा ना तो फिर देख, एक बार और गिरा ना तो बनता ही है। बस अब तू और मैं साथ साथ एक साथ गाड़ी लेकर जाएंगे। देख दोनों प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, तू और मैं दोनों एक दूसरे की जुड़वा बहनें हैं, साथ साथ रहना चाहिए ना, हम जुड़वा हैं। और फिर देख मैं इधर से आगे निकल के ना गाइस इसको बहुत बुरा करने वाली हूँ, इससे आगे जाने वाली हूँ, इसको पटा रही हूँ मैं। ये नीचे से जा रही है और मैं ऊपर से जा रही हूँ, बिकॉज और कितना गिरेगी नुब, मजीद नीचे जाकर गिर गई है, और मैं नीचे नहीं जाने वाली, मैं ऊपर से ही जाऊँगी। उसको लगता है कि नीचे से जाना ईजी है, वो मुझसे बच रही है, बट मुझे लगता है ऊपर से जाना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बूस्टर तो मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ इसके पास से गुजर कर। तो नुब से पहले गाड़ी डिलीवर की है, लड़ लड़के मार मार के नुब के पीछे जान जला जला के ना मेरी एनर्जी पूरी टोटली वेस्ट हो जाती है। सुबह मैं जब सो के उठती हूँ ना, मेरे गले में इतनी दर्द होती है ना कि मैं नुब को बोलती हूँ कि नुब ते बस नहीं चलता है कि तुझे मैं इतना कूटूँ एज अ रियल लाइफ के, बस बहुत बहुत तंग करते हैं। तो इसलिए खुद कुछ नहीं बोलती है ना, उसे कुछ बोलना होता है, चुप करके खेल रही होती है, और वार पे वार करती है, वार पे वार करती है, आपकी दी पर छुरियाँ चलाती है, कभी पीठ पे वार करती है, कभी सामने से वार करती है। तुझे और गाय फिर आई, गाइस फिर आई, इतनी तेज गाड़ी लेके फिर आई, ऐसे डंक मारती है नागिन के जैसे। इसको क्या लगता है फ्रॉगी से बड़ी नागिन बन सकती है? अगर ये नागिन है ना तो मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, अभी इसको छोड़ूंगी नहीं, तो रूप बदल बदल के गाड़ियाँ बदल बदल के मारने वाली हूँ मैं, आप नहीं छोड़ूंगी बेटा। तू नॉर्मल नागिन है ना, तो मैं फिर इच्छाधारी हूँ, मैं कितने रूप बदलती हूँ, भट्ट देख अब देख कैसी कैसे बदला मैंने, कैसे अपने आप को मार्शल मॉन्स्टर ट्रक में चेंज किया है, अब देख मैं तेरा क्या बुरा हाल करती हूँ। तो गाइस ये मोटर ट्रक बहुत गंदा ट्रक है, और इसके साथ पंगा नहीं लूँगी नुब को, जब तक नुब से आगे नहीं निकल जाती फिलहाल के लिए पंगा नहीं लूँगी। मैं इस तरफ से जा रही हूँ, नुब वहाँ से जा रही है, और मैं यहाँ से, हम दोनों के बीच में दीवार आ गई है, लाइक खानदानों में लड़ाई हो गई है। नुब अब तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते, बट आगे जाके हम मिल गए दोस्तों में, ऐसे ही होता है गाइस, दोस्त कब तक एक दूसरे से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ते। वैसे अक्सर ऐसा होता है, बड़े खतरनाक खतरनाक खानदान होते हैं, टिपिकल बड़े दोस्तों को, हमारे कजन्स को एक दूसरे को अलग कर देते हैं अपनी लड़ाइयों के चक्कर में, पागल लोगों। ऐसा ही सीन होता है कि बॉर्डर खींच जाता है, बॉर्डर खींच जाता है, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, लेकिन नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे नुब को, हम तो पकड़ेंगे, अभी पकड़ लूंगी नुब को, नुब तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे काले कलर के टैंक को नीचे गिरा देती हूँ, रुक जा। खुद ही बेचारी नीचे जा रही है, कह रही फ्रॉगी मुझे नीचे मत गिरा, मैं खुद नीचे चली जाती हूँ। बेचारी नीचे से जा रही है डर डर के, और अगर ऊपर से जाएगी तो उसे पता है मैं कितना गिराने वाली हूँ और कितना उसे रुलाने वाली हूँ, इतना रुलाऊंगी कि वो याद रखेगी। आ जा नुब, एक बार तो गिर जा, एक बार तो गिरना बनता ही बनते बनता है। बड़ी बड़ी तेज ऐसे जमा के बैठी हुई अपना टैंक, ऐसे जब मेरा टैंक उल्टा कर दिया। चुड़ैल चुड़ैल नुब, तू चुड़ैल है हकीकत में, फिर से ये छोटी गाड़ी आ गई है, और इस छोटी गाड़ी के साथ गाइस काफ़ी जुल्म हुआ था, और मैं इसे इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हो ना इंसाफ दिलवाना, तो जल्दी जल्दी से हमारा क्र्यू ज्वाइन करो। हमारे क्र्यू का नाम बीस्ट चैलेंज है, बट उस क्र्यू को ज्वाइन करने के लिए ना गाइस, और हमारे साथ खेलने के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा, जो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, और इस वीडियो में, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपने हमें ज्वाइन करना है और आप हमारे साथ खेल सकते हो। तो गाइस फिर इंसाफ दिलाइएगा आप फ्रॉगी को, वैसे मैं खुद से ले लूँगी, क्योंकि मैं तो अपनी जीत छीन कर भी ले लेती हूँ, छीनना भी आती है मुझे, जीतना कैसे है वो सारे पिंतरे आते हैं, बिकॉज आई एम प्रो, और मुझे प्रो बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है प्रो लोग होते हैं तो फिर बोलते भी हैं, और प्रो बनने के लिए काफ़ी सालों की मेहनत होती है। जीटीए खेलते खेलते लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि
जीटी खेलते खेलते पूरा बचपन गुजर गया और अब इस एज में आ गए कि जीटीए खेलते खेलते अब जीटीए के महाप्रो बन गए हैं हम, महाप्रो लाइक 8 to 10 ईयर हो गए खेलते खेलते जीटीए। लाइक गाइस लोगों को लगता है कि जीटीए को 18 प्लस में बहुत सारे लोग खेलते हैं बट उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हम तो बहुत बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। लाइक जीटीए जैसी गेम नहीं खेली तो क्या ही बात है। वैसे तो 2013 में आया था, उससे पहले नहीं आया था कि बचपन से पैदा होते ही जब हम फीडर पीते थे तभी से खेलने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मजाक कर रहे हैं, बट बहुत छोटे थे तब से खेल रहे हैं। तो नब तो अभी अभी नई नई बंदी है बेचारी, नया नया सीखा है नब ने, तो नई नई जीटीए की दीवानी हुई है तो दिखाती है। फ्रॉगी तो प्रो नहीं है, कोई इस विनिंग फ्लैग आ गया और ये विनिंग फ्लैग को लेना कैसे, अरे ऊपर कैसे चढ़ेंगे, अरे ऊपर ऊपर जाने का कोई रास्ता होगा तो आई थिंक तलाशना होगा, यहाँ नहीं है तो ओके गाइस यहाँ से जाने का रास्ता है ऊपर। शॉकिंग बोर्ड लगाया हुआ है इन लोगों ने, अरे शॉकिंग बोर्ड लगाया हुआ है, शॉकिंग बोर्ड से वैसे समझ जाना चाहिए था आगे खतरा है, खतरा है, खतरा है। तो गाइस आपकी दी खतरों की खिलाड़ी है और फ्रॉगी किसी खतरे से नहीं डरती है, जब तक कि वो खतरा फ्रॉगी को मार ना डाले तब तक तो नहीं, जान दे देंगे पर हार ना मंजूर नहीं करते हैं, जान देने को तैयार है। तो गाइस बहुत पतली रैग है, बहुत ही पतली टी रैग है और इस टी रैग पे से जाते जाते नो मुझसे नहीं होगा गाइस, मुझे नहीं लग रहा कि ये हो पाएगा, बिकॉज वो तुक्के में अगर टच हो गया तो हो गया, बिकॉज जंप लगाकर एक पतली सी दीवार के ऊपर स्टे करवाना गाड़ी को, पर क्रीगर है वैसे, क्रीगर स्टेबल तो हो जाती है, मतलब क्रीगर मुझे हैंडलिंग में सही लगती है डिवास्टे के मुकाबले में, बट अरे 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 कैसे लेके जाऊंगी बे अपनी खूबसूरत गाड़ी को, ओह माय गॉड। तो गाइस विनिंग फ्लैग इतना करीब है ना कि उसको छू नहीं सकते हैं, उसको छूने के लिए आग पे चल के जाना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ से जाकर चली जाती हूँ, मैं भी पागल हूँ, उन्हें देखा ही नहीं। अरे फ्रॉगी नोब के पीछे चीख चीख करना, सटक गया तेरा दिमाग, सटक गया, पागल हो चुकी है तू। मैंने तो पहले ही गाइस डिक्लेयर कर दिया था कि नहीं जा सकते, जंप लगाकर एक पतली सी जगह पर हम कैसे स्टे कर सकते हैं, तो इसीलिए। बट जब फ्रॉगी ने अपनी आंखें खोली हैं जो कि चार हैं, दो नहीं चश्मिश की आंखें चार होती हैं, तो जब मैंने आंख मसल के देखा तो पता चला कि आगे है ट्रैक भी है। तो कई से नुब बेचारी गिर रही थी और डीएनएफ हो गया, नुब से होता ही नहीं, वो कितना भी आगे भाग ले। विनिंग टॉस नुब के लिए था, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार सीरीज के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।